हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी है, मैंने वो अपलोड करा था वीकली कॉन्टेस्ट 341। उसमें मैंने बताया आपको कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था, कुछ टेस्ट के साथ मिस हो जा रहा था। तो अभी मैंने सॉल्व कर लिया है और आइए आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, उसके बाद सॉल्यूशन पे देखते हैं, ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट एन अनडायरेक्टेड एंड अनरूटेड ट्री विथ एन नोड्स इंडेक्स फ्रॉम 0 to n-1। कि एक अनडायरेक्टेड अनरूटेड ट्री है, 0 से n-1 नोड्स हैं उसके, ठीक है। एजेस दिए हुए हैं AIBI, और हर एक नोड के साथ एक प्राइस है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है, द प्राइस सम ऑफ अ गिवन पाथ इज द सम ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल नोड्स लाइंग ऑन दैट पाथ। ये कह रहा है कि कोई भी एक पाथ होगा, लेट्स से कि अगर मुझे 2 से 0 जाना है, तो जो ये पाथ होगा ना, 2 से 1, 1 से 2, तो इस पाथ का जो पाथ सम होगा, मतलब वो जो प्राइस सम होगा, वो क्या होगा कि जितने भी नोड्स आए ना, 2 आया, 1 आया, 0 आया, तो इन तीनों इंडिविजुअल नोड्स के प्राइस का सम, जैसे जो हमें प्राइस दिया हुआ है ना, ये रहा प्राइस, ठीक है। तो उन कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज़ हैं, लाइक 2 के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग है 10, 1 के लिए 2 और 0 के लिए 2, तो 14 ऐसे, तो ये सम हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि एडिशनली यू आर गिवेन अ 2D इंटीजर एरे ट्रिप्स, वेयर ट्रिप्स आई इज इक्वल टू स्टार्ट आई एंड एंड आई, इंडिकेट दैट यू स्टार्ट द आई एथ ट्रिप फ्रॉम द स्टार्ट आई। और बोला कि हमारे पास एक ट्रिप्स का भी एरे दिया हुआ है, जिसमें स्टार्टिंग नोड, मतलब जिसके एलिमेंट्स क्या है, एक वेक्टर, खुद ही वेक्टर है, तो काइंड ऑफ वो हर एक ट्रिप है, तो हर एक ट्रिप का क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बिफोर परफॉर्मिंग योर फर्स्ट ट्रिप यू कैन चूज सम नॉन एडजेसेंट नोड्स एंड हाफ द प्राइस। अब ये क्या कह रहा है कि ट्रिप स्टार्ट करने से पहले, मतलब अभी सब हमें तो ये तो पता चल गया कि सारे नोट्स के साथ एक प्राइस एसोसिएटेड है, तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला कि आप कुछ नोट्स के प्राइसेस को कम कर सकते हो, बस वो क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए, नॉन एडजेसेंट होने चाहिए। नॉन एडजेसेंट कहने का क्या मतलब है कि आपने जैसे इस नोट का प्राइस कम किया, तो आप इस नोट का नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है। मतलब एडजेसेंट कहने का मतलब है कि सेम एज से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर इसमें 1 का कर दिया होता तो हम 2, 3 या 0 किसी का नहीं कर पाते, ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें 1 कर दिया तो ये 1 उसका एडजेसेंट हो गया, तो ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखने में पहले काफ़ी मुश्किल लगता है, मुझसे भी लगा कॉन्टेस्ट में तो लगा बन जाएगा, पर नहीं बना, ठीक है। फिर बाद में मुझे समझ आया कि क्वेश्चन उतना मुश्किल है नहीं जितना ये लगता है पढ़ के, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो की ऑब्जर्वेशन है ना, हमें क्या बोला है इसने कि जितने भी ट्रिप्स हैं ना, अगर हम सारा ट्रिप कर लें तो हमें कॉस्ट मिनिमम कितना आएगा, जो प्राइस है वो कितना आएगा। और एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि कुछ नोट्स के प्राइसेस हाफ कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप कंस्टेंट देखोगे तो वो इवन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना आप ध्यान से समझो कि क्या बोला था इसने कि अनरूटेड ट्री है, ठीक है, अनरूटेड ट्री है, ठीक है ना, अनरूटेड ट्री, अनडायरेक्टेड। तो इसमें बस जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो ट्री, ठीक है। ट्री कहने का मतलब इसका क्या हुआ कि किसी भी नोड से किसी भी नोड तक का एक ही फिक्स पाथ होगा। ध्यान से सुनना, ट्री में क्या होता है कि कोई भी लूप नहीं होता, ठीक है। तो अगर नोड ए से नोड बी जाना है आपको, तो उसके लिए एक ही पाथ होगा, वो फिक्स पाथ है, ठीक है। चाहे आप कुछ भी कर लो, जैसे कि 2 से 3 जाने का एक ही रास्ता है कि 2 से 1, 1 से 3, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो अब देखो, अब जितने भी ट्रिप्स हैं, ठीक है, जितने भी ट्रिप्स हैं, तो अब हर एक ट्रिप ट्रिप का ना एक पर्टिकुलर पाथ होगा जो कि फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता है। चाहे आप ट्री कहीं पे भी रूट कर दो, ठीक है, जैसे अनरूटेड है ना, आप कहीं पे भी ट्री रूट कर दो, अगर 0 पे भी रूट कर दोगे तो भी 2 से 3 जाने का रास्ता वो ऐसे 2 से 1, 1 से 3 ही रहेगा। आप 1 पे भी रूट कर दोगे तो भी 2 से 3 जाने का रास्ता 2 से 1, 1 से 3। तो आप कुछ भी कर लो, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट होगा ना, उसके बीच में ना एक यूनिक पाथ होगा, ठीक है। मैं भी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आगे काम आने वाली हैं अभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ समझ आ गया कि हर एक ट्रिप का एक फिक्स्ड पाथ था। अब ध्यान से समझो कि जैसे कि अगर मुझे ट्रिप 0 से 3 जाना है, 0 से 3, यहाँ से 0 से 1 गए, 1 से 3, ठीक है, तो मुझे क्या देखना होगा कि जो इनमें नोट्स आ रहे हैं, मुझे एक्चुअल में मतलब तो उन्हीं नोट से है, समझा। मान लो कि ये वाला ट्रिप नहीं होता, बाकी ट्रिप्स नहीं होते, बाकी ट्रिप्स नहीं होते, ठीक है, बस 0 से 3 वाला ट्रिप रहता, तो इसका रास्ता क्या बनता, 0 से 1, 1 से 3, तो मुझे एक्चुअल में इस नोट से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, ठीक है। तो मुझे किन से मतलब है कि जो ट्रिप में आ रहा है, ठीक है।
और अगर मान लेते हैं कि सारा ट्रिप हमने कवर कर लिया, अब हमें पता है कि सबका पाथ एकदम फिक्स्ड है कि यही पाथ होगा, तो उससे हमें मुझे क्या पता चल जाएगा कि कौन सा नोड कितनी बार कवर कर रहा है। अब ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, अब ध्यान से समझना मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि 0 से 3 जाने का पाथ है मेरा, ऐसे 0 से पहले 1 और 1 से 3, सिमिलरली मुझे पता है कि 2 से 4 जाने का रास्ता, मैं ऐसे रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मुझे पता है कि 2 से 4 जाने का पाथ मेरा 2 से 5, 5 से 3 और 3 से 4 लेट चाहिए। तो आप देखो जितने भी ट्रिप्स होंगे ना, तो उससे मुझे एक चीज़ पता चल जाएगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर नोड कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अब समझो मान लो कि जैसे 3 हुआ, और भी ट्रिप्स थे, यहाँ और भी ट्रिप्स मान लो चलते हैं, ठीक है, और भी ट्रिप्स हैं, तो सारे ट्रिप्स मिला के लेट से कि 0 आया 2 बार, ठीक है, 0 आया 2 बार कहने का मतलब क्या है कि 0 2 पाथ में अकर होगा, ठीक है, 2 ट्रिप्स होंगे ऐसी जिसमें हमें नोड 0 को क्रॉस करना होगा। सिमिलरली 1 आया मान के चलते हैं कि 1 बार, ठीक है। तो अब देखो आपको ये चीज़ समझ आ रहा है ना कि आप जब अगर सारे पाथ्स को रख लोगे ना, सारे पाथ निकाल लोगे, तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा नोड कितनी बार आ रहा है, ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा एकदम से, ठीक। अब एक बार आपको जब ये चीज़ पता है कि ठीक है 0 नोड इतनी बार आ रहा है, 1 नोड इतनी बार आ रहा है, तो ध्यान से देखो अगर मैं आपको ना एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कि आपको मैंने एक एरे दिया 1 2 3 4, थोड़ा रैंडम कर देते हैं इसको, 12 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं लेट्स से, और इसको 4 और 40, ठीक है। मैंने आपको बोला कि आप बताओ इसमें से मैक्सिमम सम क्या बन सकता है, मैक्सिमम सम क्या बन सकता है जब आपको एडजेसेंट एलिमेंट्स नहीं लेने हैं, ठीक है, एडजेसेंट एलिमेंट्स आप नहीं ले सकते हो, तो आप क्या करोगे, अगर आपने 1 ले लिया, ठीक है, तो आप 22 को नहीं ले सकते, और 22 ले लिया तो 1 को नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे कि मुझे एडजेसेंट्स को ऐसे ऑप्टिमाइज करना है कि मेरा प्राइस मिनिमम हो जाए, ठीक है। अगर ये मेरा एरे वाला क्वेश्चन रहता तो हम सीधा सीधा क्या कर देते थे, यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख देते हैं, बाउंड्री कंडीशन को ध्यान नहीं देते, तो सीधा सीधा हम क्या रख सकते थे, ऐसे मैक्स ऑफ, या तो जो डीपी ऑफ आई माइनस वन तक जो मैक्सिमम था, या तो जो डीपी ऑफ आई माइनस टू का मैक्सिमम होगा और प्लस जो भी करंट ऑफ आई का वैल्यू होगा, ऐसे कर देते थे, डीपी था आराम से हो जाता था हमारा, ठीक है। बस अब हमें यही अप्रोच यहाँ पे लगानी है, ठीक है, आपके पास पाथ आ गया, आप अप्रोच समझ गए कि मुझे क्या करना है, कि अगर एक नोड कंसिडर कर लिया तो मुझे जस्ट उसका आगे वाला नोड कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, एकदम सिंपल है, और उसी पे हम डीपी लगा देंगे, ठीक है। आप देखना अभी समझ में आता जाएगा आपको क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या, हमें जो भी इनपुट्स दिए हुए थे उससे हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है, ग्राफ बना लिया, ग्राफ बनाने के बाद एक फंक्शन कॉल कर दिया फन, ठीक है। फन में आते हैं, आप यहाँ ध्यान से देखो मैंने क्या किया कि जितने भी ट्रिप्स थे मेरे, उन सब के ट्रिप्स के पाथ निकाल लिया। ये जो फंक्शन है आपका DFS, ये क्या कर रहा है, मुझे ये पाथ बना के दे देता है, ठीक है, ये मुझे इस वेक्टर में पाथ दे दिया, तो जो भी ट्रिप आएंगी उन सब का पाथ। अब मैंने यहाँ पर क्या करा कि अब मुझे देखा कि जो नोड 0th नोड है ना, वो 3 बार आया, तो मुझे क्या करना होगा कि मैंने ना एक कॉस्ट एरे बना लिया है, कॉस्ट एरे बना लिया है, और जो नोड आते जा रहा है ना उस पर्टिकुलर पोजीशन पे कॉस्ट का वैल्यू बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कॉस्ट ऑफ सी मैंने क्या कर दिया, प्राइस ऑफ सी, तो पाथ में जितने भी नोड्स होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कॉस्ट ऑफ सी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एट द एंड मुझे ये चाहिए था ना कि एक नोड अगर 3 बार आया है तो उसकी लाइक कॉस्ट टोटल कितनी हो जाएगी, 3 इंटू जो भी उसका इंडिविजुअल कॉस्ट था, लाइक प्राइस ऑफ सी जो भी होगा उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसलिए मैंने अब हर एक ट्रिप को मैंने इंडिविजुअली यहाँ देखा है, तो वो केस हैंडल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत ही नहीं है, जब भी सी आएगा वो अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। तो इस स्टेप के बाद फ्रेंड्स क्या ही होगा कि मेरे पास एक कॉस्ट एरे होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कॉस्ट एरे हो जाएगा जिसमें क्या होगा कि आपके पास ये चीज़ मिल रही होगी आपको कि 0th पोजीशन का कितना कॉस्ट हो रहा है, कि मतलब जितनी बार भी आया होगा ना मल्टीप्लाइड बाय उतना 0 का प्राइस, तो लेट्स से अगर 3 बार आया और उसका प्राइस 10 था तो 30 हो जाएगा। सिमिलरली कि अगर हम 1 को कंसिडर कर रहे हैं तो सॉरी 1 को कंसिडर करने का मतलब कि 1 कितनी बार पाथ में आया और उससे जो भी रिलेवेंट कॉस्ट होगा लेट्स से 40, तो ऐसे हम मुझे हर एक पाथ का मिल जाएगा। अब ध्यान से समझो
कि जो एडजेसेंट नोड्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं रूट के, उससे किसी रूट से कोई मतलब नहीं है। जैसे वन का एडजेसेंट जीरो है तो आप किसी को भी रूट बना लो, चाहे टू को बना लो, चाहे थ्री को बना लो, जीरो को बना लो, वो हमेशा एडजेसेंट ही रहेगा। और जो एडजेसेंट नहीं है वो कभी भी एडजेसेंट होगा भी नहीं, ठीक है ना। आप ध्यान से समझना कि जो एडजेसेंट है वो कोई भी रूट पे एडजेसेंट रहेगा, और अगर एडजेसेंट नहीं है तो कभी भी एडजेसेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ये आपको क्लियर आ गया। तो अब बस मुझे क्या, कॉस्ट एरे आ गया है, अब मुझे एक्चुअल कॉस्ट निकालना है। तो मैं कुछ नहीं, एक सिंपल सा फंक्शन लिखा मैंने, क्या करा कि किसी को भी रूट मान लिया, जीरो से मैंने स्टार्ट करा। अब देखो, अब जीरो पे ना मैंने कुछ पैरामीटर्स पास किए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्स। एक्स क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्स कह रहा है कि क्या हमने करेंटली, मतलब जो पीछे वाला नोड था, ठीक है, मतलब जो हमारा पेरेंट नोड था, हम आई पे आए ना, तो जो पेरेंट नोड था, क्या पेरेंट नोड पे हम पहले ही प्राइस को बाई टू कर चुके हैं। अगर पेरेंट नोड पे प्राइस को बाई टू कर चुके हैं तो अभी नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एडजेसेंट नोड पे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है हमें एक्स, ठीक है। अगर जीरो हुआ तो नहीं किए हैं, वन है तो मतलब करके आए हैं, ठीक है, हार्दिक पांडे वाला करके नहीं, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले डीपी हटाओ भी। हाँ, यहाँ पे मान के चलो कि मैं आई पे आया, तो अब मैं क्या करूँगा, आई के जितने भी चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, आई के जितने भी चिल्ड्रंस हैं उन सब के लिए मैं सेम फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक है। सिंपल डीएफएस है, सिंपल डीएफएस, ठीक है। अब और अगर, हाँ, एक और केस में क्या कंसिडर करूँगा कि अगर अगर, ठीक है, यहाँ पता, हाँ, एक चीज़ और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इसको, यहाँ के बदले, ठीक है, यहाँ के बदले मैं क्या कर सकता हूँ इसको, कि यहाँ डाल सकता हूँ कि जब अगर एक्स जीरो हो तभी ये चीज़ कैलकुलेट हो, समझ में आया ना। अगर जब एक्स जीरो है, एक्स वन होगा, मतलब देखो या ये क्यों चला रहा है, मैं ये चला रहा हूँ कि मैं करंट वाले को नहीं वो बाई टू करूँगा, तो इसका मतलब इसके पीछे वाला का बाई टू हुआ था कि नहीं हुआ था उससे तो मुझे मतलब ही नहीं है, ठीक है। पेरेंट को अगर आधा कर दिए थे तो भी हम इसको इग्नोर कर सकते, मतलब इसको आधा नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं, पेरेंट को आधा किए थे कि नहीं किए थे, तो एक केस वो हो गया। अगर पेरेंट को आधा नहीं किए थे तो हम इसको आधा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉस्ट हमने उससे कैलकुलेट कर लिया कि बिना इसको आधा किए अगर इसके आगे के जितने भी वो डिसेंडेंट्स हैं उनका कॉस्ट निकाला, ए में स्टोर कर लिया, ठीक है। सिमिलरली हमने बी में क्या स्टोर करा कि अगर इसको आधा कर देते हैं तो एक्स की वैल्यू वन पास करनी पड़ेगी। यहाँ देखो क्या, प्रीवियसली मैंने जीरो पास करा था तो उसके अकॉर्डिंग आ गया। अब देखो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर को मैंने पहले क्या रखा हुआ था कि ए अगर कॉस्ट आई, ए आपने देखो ए में हमने क्या मान के चला है कि करंट नोड को, जो अभी का नोड है आई, उसको हम आधा नहीं कर रहे हैं तो उसका पूरा पूरा कॉस्ट ले लिया, ठीक है। लेकिन बी में हमने क्या माना है कि हम इसको आधा कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ आई बाई टू, ठीक है। अब इन दोनों का जो भी मिनिमम होगा हो गया आंसर में। और फिर यहाँ पे एक हमने सिंपल डी पी लगा दिया, हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स 50 हैं यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही 51 का बना लिया साइज़ टू, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो या वन होगी। यहाँ पे मीम सेट पे आप देखोगे इस कॉस्ट फंक्शन को कॉल करने से पहले मैंने मीम सेट से -1 कर दिया है, सॉरी इस लाइन में, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये एक सिंपल सा डीपी हो गया, ठीक है, जो मुझे क्या करेगा, मिनिमम कॉस्ट रिटर्न कर देगा, और यही मिनिमम कॉस्ट मुझे मिल जाएगी इस फंक्शन में, और यही मिनिमम कॉस्ट को मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो एक बार फिर से सबमिट करके दिखा देता हूँ, ओ सॉरी ये सारे कमेंट्स, ठीक है। तो ये एक बार गाइस, प्रीमियम, प्रीमियम का भी आपको बताऊंगा, प्रीमियम का भी सॉल्यूशन है, प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हो गया, होपफुली आप सबको समझ आया होगा, और अगर किसी को कुछ भी डाउट है इसके रिकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग या इसके रिगार्डिंग, सॉरी, तो आप मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू गाइस।